हम लोग जा रहे हैं बाहर। इब्राहिम साहब बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे गर्ल्स अभी तक रेडी नहीं हुई हैं, हो रही हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ हमेशा की तरह, सबसे पहले सबको मैंने तैयार किया और उसके बावजूद भी मैं सबसे पहले तैयार हो गई हूँ जी। और आज हम लोग ज़्यादा तो कहीं बाहर नहीं जा रहे क्योंकि कराची में आप ज़्यादा कहीं जा भी क्या कहाँ सकते हैं। हम आज जा रहे हैं एक कैफे जिसका नाम है क्या, एस्क्रो, मुझे नाम नहीं आ रहा जब से जब तक मैं एस्क्रो एस्टरो अपना एस्टरो एस्ट्रो के नाम से एक कैफे है। हम आज वहाँ पे जा रहे हैं और अभी चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ का एम्बियंस कैसा है और फूड कैसा है और फिर आपको इंशाल्लाह ताला आपको भी दिखाती हूँ। गर्ल्स यहाँ पे तैयार हो रही हैं, हेलो हबीब वाले ट्यूनिंग की हुई है और मैंने और इब्राहिम ने कोई भी नहीं की हुई है और अजान कुछ ऐसा तैयार हुआ है। हीरो क्यों बन गए हो बिला वजह के? और भाई आज तो अजान ऐसे लग रहा है किसी मीटिंग पे जा रहा है। आज बाहर जा रहे हैं तो बच्चे बहुत अच्छा अच्छा तैयार हुए हैं आज। हम कैफे पहुंच गए हैं और कैफे का नाम था सिरॉक। साथ ही कैफे भरा भरा हो गया गाइस, गर्मियों के लिए लिहाज से नहीं अच्छा, आउटडोर है ना, नॉट फॉर गुड फॉर समर। ये हमारे लिए टेबल अरेंज हो रही है क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है गाइस। ये सब बैठ रहे हैं ईमान अजान अजान इब्राहिम क्या हुआ, चीजें भी है ना, ऑर्डर का इंतजार करते हुए इब्राहिम का मूड खराब हो गया। दानी इंतजार, यहाँ पे सब वेट चल रहा है, वेटिंग 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 फॉर फूड। उफ अल्लाह इतनी गंदी खांसी किसको है। आप अभी वेट कर करके फोन पे लग गई हैं, टाइम पास कर रही हैं, कह रही हैं लोग बहुत देर से खाना बनाते हैं। आपा की तरह तेजी से जल्दी जल्दी इतनी देर में तो आपा ने चार हांडियां बना ली। और फिर इब्राहिम तो ख्यालों में चला गया है। आप कह रही है मैं सोच रही हूँ अपनी वेब सीरीज शुरू कर दूँ, बहुत सब बोरियत हो रही है। नाम नहीं बता रही, जो दिल करेगा आपका का वो शुरू करेंगी। तुम कौन हो पूछते हैं ना, मम्मा जी भी पिक्चर कैसी है, बेबो ने भी आपका क्या है
मेरा ब्लॉग बनता रहेगा। ये मेरे और पापा के क्रिसमस सैंडविच। ये क्या, ये किसने मंगाया था? और ये फ्राइज और प्लेन फ्राइज भी देंगे। प्लेन फ्राइज भी आ रहे हैं। क्या हुआ? एक में आपको ना ज्ञान इसमें समझ नहीं आएगी। इब्राहिम थोड़ा सा परेशान हो गया है सॉसी विंग्स देख के। इब्राहिम टेस्ट तो करो बेटा, एक बाइट लेके देखो ना। और इब्राहिम ने ये क्रिस्पी फ्राई विंग्स लॉलीपॉप्स कैप जो है ये वनीला शेक है। वनीला थोड़ा सा चेरी ब्लॉसम, थोड़ा सा इब्राहिम का मूड बहाल हुआ है वनीला शेक देख के। ये क्या है? बेरी ब्लॉसम। ये है बेरी ब्लॉसम जो कि मान ड्रिंक। बाय मान ये हमारा कुनाफा, चीज कुनाफा। ये चीज होता है कॉटेज चीज। ये वो केक जो हमने मंगवाया था ना, ये हमने ये पुडिंग की तरह लग रहा है शायद कुछ। ये हॉट चॉकलेट दानी हॉट चॉकलेट लॉट्स ऑफ मैशमेलो है ना। और चाय भी दो है और एक और टी। हाँ है ये क्या है? वनीला फ्रैप जी जी। सो लाउड टू बोलो। ओके स्माइट टी गाइस। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा तो गाइस ये है हमारा रिकोटा केक जो मैंने और आपने अपने लिए मंगाया। हमने एक सैंडविचेस मंगाए थे अपने लिए है ना, क्रोसन सैंडविच, वो शेयर किए थे। और हम अब जो है हम दोनों ये केक शेयर करेंगे। पता नहीं कैसा हमने मंगवा लिया है लेकिन होपफुली कि ये मज़े का ही होगा। और एक बेहतर केक चीज। और ये जो है सबने मंगवाया है क्योंकि हमें ये रिकमेंड किया गया था कि यहाँ का चीज़ कुनाफा ज़रूर ट्राई किए करें। तो ये जो है हमने मंगवाया है, ये बस मैंने टोला, जल्दी जल्दी इसको भी ट्राई करेंगे। ये है चीज़ कुनाफा। जो कुनाफा जो है गाइस ये बहुत हैवी है और मीठा भी बहुत है, लेकिन जिनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए तो ठीक है। हमें इतना ज़्यादा मीठा वाला मीठा नहीं पसंद है, तो हमें थोड़ा सा हैवी लग रहा है। आइसक्रीम मजे की है। और ये रिकॉर्डर की बस ठीक है, कुछ ज़्यादा ही इसमें ना चीज़ें हैं, चेरी भी है आई थिंक, ये कॉटन चीज़ है या क्रीम है और व्हिप क्रीम है, चेरीज हैं, बनानाज हैं। ये तो ज़्यादा मीठा हो गया है लेकिन नॉट बैड, मज़े में। आप चेरीज खा रही हैं? अभी चेरीज खा के आप अपना जो है मुँह सिलोना कर रही हैं। सिलोना तो नहीं होगा, थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। इस केक और इस कुनाफा के खाने के बाद मुझे फ्राइज खाने की ज़रूरत पड़ गई थी, इतना ज़्यादा मुँह मीठा हो रहा है। बाकी बच्चों को हॉट चॉकलेट बहुत मज़े की लगी है ना दानी, हॉट चॉकलेट मज़े की है ना। और अजान को जो है अपना केक भी बहुत पसंद हो क्या, शेक पसंद आया है ना, फ्राई शेक क्या था, वनीला वनीला फ्रॉप। नहीं वनीना 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 फ्रॉप
पता नहीं कौन सा खराब हो सा फ्रैपे मजे का लगा। और ईमान आपने अपना बेरी ब्लॉसम पूरा पी ये ईमान के लोडेड फ्राइज है वो भी मैंने इससे लिए हैं क्योंकि टू मच लोडेड है इसीलिए ईमान से सारे खाए नहीं गए लेकिन मजे के टेस्ट अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा लोडेड है अच्छे ज्यादा चीज है इसके अंदर। इंजॉय करने के बाद जैसे कि आपने देखी हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली और बस पे उसके बाद हम चले घर की तरफ वापस। अच्छा कैफ़े था नॉट बैड चीज़ें अच्छी थी चीज़ों के नाम बहुत यूनिक थे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ ऑर्डर करें क्योंकि नॉर्मल चीज़ों के ही नाम उन्होंने डिफरेंट तरीके से रखे हुए थे लेकिन फिर भी अच्छा कैफ़े था चीज़ें भी मज़े की थी और एम्बियांस भी बहुत अच्छा था।